हाय एवरीवन वेलकम टू कारण क्रंच तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वीडियो आज का तो डिफरेंट वीडियो रहेगा हमारा ये एक मोटिवेशन वीडियो है तो ये किन स्टूडेंट्स के लिए है जो काफ़ी परेशान है इस सुपरवाइजर एग्जाम को लेके परेशान होने के काफ़ी रीजंस हैं कि अभी डेट्स नहीं आ रही हैं एंड देन इतना सारा सिलेबस है कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर कंडक्ट होगा जे के का ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा कुछ साफ नहीं रहा है एग्जाम्स को लेके एंड देन कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे क्या हैंडल करो फिर वो स्टूडेंट्स हैं जो एक चीज़ स्टार्ट करते हैं एंड देन उनके दिमाग में ये आता है कि दूसरी चीज़ अभी हमारी इनकम्प्लीट है तो काफ़ी सारा मेसअप हो गया है स्टूडेंट्स के अभी ब्रेन में ये सारी चीज़ें इस वजह से आई थॉट कि मैं एक सेपरेट वीडियो ही लेके आती हूँ एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बीच में ऐसे मोटिवेशन वीडियोस देखते रहने चाहिए थोड़ा आपको पेप अप करने के लिए एंड आपको एक क्विक वो मिल जाता है बूस्ट मिल जाता है दोबारा से स्टार्ट करने के लिए पर ऐसा नहीं दिन भर मोटिवेशन वीडियोज़ ही देखते रहो एंड मोटिवेशन वेब सीरीज देखते रहो और कुछ करो नहीं वैसा नहीं बीच में एक आधा वीडियो ऐसा देख लिया दैट इज मोर देन सफिशेंट ठीक है तो ये देख लो स्टे मोटिवेटेड बाय कुरत मलिक आपको पता है आपको कहाँ कॉन्टैक्ट करना है करण क्रंज फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम ये मेरा ई मेल आई डी है एंड टेलीग्राम ग्रुप आप मेरा ज्वाइन करें उसमें मैं पी डी एफ वगैरह सारे अपलोड करती हूँ उसमें मैंने टेस्ट सीरीज अभी अपलोड की रिसेंटली कल रात को लेट आपके यूनिट वन की ठीक है तो आपको क्या करना है वो टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करनी है एंड काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे की मांग रहे हैं आंसर की उसकी तो आपको आंसर की उसकी ऐसे नहीं मिलेगी उसका मैं वीडियो सोल्यूशन लेके आऊँगी क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ आपके लिए सिर्फ आपके लिए नहीं होगा बेनिफिशियल उनके लिए भी होगा जो मेरे लेक्चर्स नहीं देखते हैं बतन वीडियो सोल्यूशन में क्या होगा उस एक्सप्लेनेशन से उनको भी फ़ायदा होने वाला है फाइन एंड अगर आपके पास पहले से आंसर की रहेगी तो मुझे कैसे पता रहेगा कि आपने कोई चीट नहीं किया है अब इतना पढ़ाने के बाद एटलीस्ट इतना तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप चीट करने के बगैर जो है अपना पेपर अच्छे से सॉल्व करें एंड देन आपको एक वीडियो सोल्यूशन में अपलोड करूंगी उसमें हम इन डिटेल सारे आंसर डिस्कस करेंगे ठीक है बेटर रहेगा अगर आप पी प्रिंट आउट करवाएंगे उसका टेस्ट सीरीज़ का एंड जो भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको साथ में वीडियो में बताऊंगी उसके आप एक छोटे छोटे नोट्स जो है क्वेश्चन के साथ वहां पे ऐड कर सकते हैं ठीक है तो ये हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो मोटिवेशन डोज है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फाइन तो उससे पहले अगर आप मुझे तो सुपर थैंक्स भेजना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में एक हार्ट के अंदर का डॉलर साइन मिल जाएगा या आप वॉलेंटियरली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मेरी चैनल की तरफ तो वो भी आप कर सकते हैं आपको यू पी मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिल जाएगा ठीक है अब ये भी अगर आप नहीं कर रहे हैं पर एटलीस्ट जो मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं वो तो सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरा यूट्यूब एनालिटिक्स मुझे बताता है कि कहाँ से व्यूज़ आ रहे हैं क्या उन लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है तो वो सारी चीज़ें जो है यूट्यूबर को पता चल जाती हैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड अगर आपको फ़ायदा भी हो रहा है आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर रहे हो टेस्ट सीरीज भी अटैम्प्ट कर रहे हो तो वट इज़ स्टॉपिंग यू गाइज आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करें देखो यही रीज़न होता है कि एक टीचर तो, दो ऑल दो स्टार्ट करता है सोच के चलो मैं फ्री में देखूंगा कहाँ तक पहुँच कहाँ तक पढ़ा पाऊँगा बट देन इन चीज़ों की वजह से कि बच्चे आते हैं पढ़ के चले जाते हैं एंड एंड सब्सक्राइब नहीं करते शेयर लाइक एटलीस्ट जो फ्री है वो चीज़ें भी नहीं करते उतना भी एफर्ट नहीं लगाते हैं फिर आप टीचर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता उसको बाद में पेड कोर्स लॉन्च करने पड़ते ही है ठीक है तो इसीलिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल एंड मुझे कमेंट से बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं तो स्टार्ट करते हैं हम आज का मोटिवेशन डोज तो मैं आपको इसमें स्टार्ट करती हूँ थ्री स्टूडेंट्स की स्टोरी से ठीक है फिर आपको देखना है आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड किस कैटेगरी के कितने जो है सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं फाइन तो हमारी जो पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है स्टूडेंट ए ये नेगेटिव है नेगेटिव क्यों है आप खुद ही सारे पॉइंट्स देख लो पहली बात इनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि ये सिलेबस जो है ये एक साल का सिलेबस है ये इम्पॉसिबल है इस टाइम में फिनिश करना एंड यही वो चीज़ बहुत ही स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं जब से आपका फॉर्म निकला हुआ एंड पोस्ट निकली है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा जबकि मैंने एक टाइम टेबल वीडियो लाया उसमें मैंने आपको बताया कि विद इन थ्री मंथ्स आप कैसे ये सारा कवर कर सकोगे थ्री मंथ्स चलो आप उसमें थोड़ी रिलैक्सेशन भी ले लो थ्री टू फोर मंथ्स आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली एक वीडियो विद टाइम टेबल जो है बना के दिखाया सेकेंड ये सबको डिस्टर्ब करते रहते हैं ठीक है अगर ठीक है अगर आप तक ये इन्फॉर्मेशन है कि आपको एक साल लगेगा ज़रूरी नहीं कि दूसरे स्टूडेंट को भी लगे पोटेंशियल हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है कोई स्टूडेंट डेढ़ दो महीने में भी कवर कर सकता है लेकिन होता क्या है अगर आप किसी को बोलते जाओगे कोई बात कोई बात तो उसके दिमाग में भी जो अच्छा पोटेंशियल वाला कैंडिडेट होता है उसके दिमाग में भी ये बात बैठ जाती है कि हाँ शायद नहीं होगा वो डीमोटिवेट हो जाता है और ऐसे बच्चे जो है मुझे मेल करते हैं मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हम डीमोटिवेट हो रहे हैं आम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर किसी को इंडिविजुअली गाइड करना हैंस दिस वीडियो ठीक है तो अगर आपके पास ये नेगेटिव थॉट है कि मेरा इतना आपको समझाने के बाद आपको टाइम टेबल दिखाने के बाद प्रैक्टिकली आपको दिखाने के बाद कि आप ये कवर कर सकते हो फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं होगा तो प्लीज आप अपना जो ये है इस चीज का ले, इस एग्जाम को लेके थॉट प्रोसेस कीप इट टू योर सेल्फ बाकी को डिस्टर्ब मत करो ठीक है कॉमेंट्स में एटलीस्ट ऐसी बातें नहीं करो जिससे बाकी लोग डिमोटिवेट हो जाए एंड इनका और एक चीज होता है कि मैम बहुत ज्यादा पढ़ा रही है इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर आपको एक साल किस चीज में लगेगा फिर तो आपको ऊपर ऊपर से देख के जाना है एंड मैं आपको बच्चों ये बात बताऊं कि अब कोई एग्जाम भी चाहे वो क्लास फोर्थ एग्जाम भी होगा क्लास फोर्थ पोस्ट के लिए वो एग्ज़ाम भी ऐसा एग्जाम नहीं रहा है कि आप सब ऊपर से देख दे के क्वालिफाई करोगे क्योंकि आप देखो एस का कट ऑफ कितना ये हो रहा है कितना हाई जाता है एसएसबी का कट ऑफ खासकर एस का कट ऑफ इतना तो पी वगैरह में तो काफ़ी कम कट ऑफ जाता है खासकर एस का मतलब इट्स टचिंग स्काइज बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ हो रहा है तो ये भूल जाओ कि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है मतलब जस्ट हैविंग द नॉलेज ऑफ समथिंग ऑफ एवरीथिंग आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लो सारा ऊपर ऊपर से देख के जो इन दिस एग्जाम तो आप सिर्फ अपना और अपने पेरेंट्स का टाइम वेस्ट कर रहे हो तो ये चीज़ भी भूल जाओ कि मैम ज़्यादा पढ़ा रही है इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आप जितना भी पढ़ो कम ही रहते हैं हाँ ऑल दो आई डू अग्री कि आपको ओवरबोर्ड नहीं होना है यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन कि आपको कितना ही पढ़ना है वो चीज़ आपको कोई टीचर ही बता सकता है अपने एक्सपीरियंस से जो जिसने एग्जाम्स दिए हैं जिसने एग्जाम्स स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करवाए हैं जिसने स्टूडेंट्स के साथ जो बैठी है स्टूडेंट्स के साथ एंड जिसका कुछ इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेके अच्छा खासा एक्सपीरियंस है अभी आप तक है कि आप रिलाई करते हो उस टीचर पे या नहीं ठीक है तो ज़्यादा पढ़ने वाला पॉइंट ये भी काफ़ी एक नेगेटिविटी है जो बच्चे फैलाते हैं थ्री टू फोर मंथ्स है पास एंड नो इम्प्रूवमेंट इन स्टडीज जस्ट नेगेटिव थॉट्स अब चलो वो बोल रहे थे एक साल लगेगा ठीक है एक साल लगेगा ये फॉर्म वगैरह निकलने से लेकर अभी तक आई गेस तीन चार महीने तो हो गए होंगे थ्री फोर मंथ्स एंड सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ होगा दैट मींस ऑलमोस्ट अच्छा चलो अगर उन्हीं का मानते हैं एक साल लगेगा तो ऑलमोस्ट उनका फोर्टी टू फोर्टी फाइव परसेंट सलेबस अभी तक कंप्लीट हुआ होना चाहिए पर आई एम श्योर ऐसे बच्चों का अभी तक उतना भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा क्योंकि ये एक मैंटैलिटी है ये मैंटैलिटी मैंने अपने स्टूडेंट टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ देखी है अपने टीचर टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ देखी है इट्स टेज ठीक है कि हाँ मतलब उनको स्ट्रैटी प्रॉपर स्ट्रैटजी बनानी नहीं आती है दो तो सिलेबस को ऊपर से देख के ये समझते हैं कि बहुत सारा टाइम लगेगा ठीक है दे आर लिविंग इन डिल्यूजन कि कुछ भी नहीं होगा हमसे एंड आफ़्टर एग्ज़ाम यही वो बच्चे हैं जो बोलते हैं सारा आउट ऑफ सिलेबस आया था जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं हमें पीएचडी नहीं करनी या ऑफलेट भी किसी का कमेंट आया था कि हमें ये सब नहीं करना क्या फालतू तो पढ़ा रहे एंड ऑल दैट कि इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपने इतना एक्स्ट्रा डायमेंशन से हर टॉपिक कवर नहीं किया होगा तो ही आप ये चीज़ें बोलोगे ना कि आउट ऑफ सिलेबस आया था ठीक है अगर आपको एक चीज़ आपको जेंडर इक्वालिटी जेंडर इनक्वालिटी आपको देखे है सिलेबस में ठीक है सिर्फ जेंडर इनक्वालिटी उन्होंने लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर टीचर का काम है ये सोचना कि ठीक है एग्जाम कौन बॉडी कंडक्ट कर रही है क्या क्या चांसेस हो सकते हैं वहां से आने के फिर उसको कट शॉर्ट करके जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको बताना एंड जो आपको पंद्रह मिनट का लेक्चर लगता है आधे घंटे का लेक्चर लगता है उसके पीछे कई घंटों की मेहनत होती है वो आपके लिए शॉर्ट बनाने के लिए ताकि आपको इफॉर्मेशन भी मिले एंड ओवरबोर्ड इन्फॉर्मेशन भी ना हो आपके लिए उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा है अब अगर जेंडर इनक्वालिटी में आपको थोड़ा बहुत फेमिनिस्ट का पूछ लिया या फंक्शनल पर्सपेक्टिव का पूछ लिया जेंडर इनक्वालिटी से लेके ठीक है या कोई एक अलग पर्सपेक्टिव उसका पूछा तो आपको तो यही लगेगा ना कि आउट ऑफ सिलेबस है तो आपके हिसाब से जेंडर इनइालिटी में क्या होना चाहिए कि दो जेंडर्स है वो अनक्वल हैं बस दैट्स इट आप उसमें कुछ और नहीं पढ़ोगे आपको लॉस पढ़ने ही होंगे ये आपके लिए इसके कोई ये नहीं है फिर वो आपकी किस्मत है पढ़ो अच्छा पेपर इजी आ जाए पेपर इजी आपको तब लगेगा जब आपने एक्स्ट्रा पढ़ा होगा अगर आप बिल्कुल ही रट के जाओगे जो सिलेबस की एक एक लाइन है उसी का एक एक पेज सिर्फ पढ़ के जाओगे आपको पेपर कभी इजी लगेगा ही नहीं एंड आपको आउट ऑफ सिलेबस लगेगा तो हमारे ये स्टूडेंट्स होते हैं स्टूडेंट ए ऑलमोस्ट थर्टी टू फोर्टी कैटेगरी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसमें फॉल करते हैं एंड अगर ये टाइम पे ख़ुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो इनके लिए सिलेक्शन जो है मैं उनको ये तो नहीं बोल सकती कि सिलेक्ट नहीं होंगे पर हाँ मुश्किल हो गई इनके लिए सिलेक्शन में एंड देन इनके साथ क्या प्रॉब्लम होगी इनकी नेगेटिविटी स्प्रेड होती है अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसे डिमोटिवेट हो जाते हैं तो अगर आप ए स्टूडेंट कैटेगरी में हो तो यू स्टिल हैव टाइम खुद को इम्प्रूव करो इन लाइनों पर एंड इसमें कोई शेम नहीं है एक्सेप्ट करने में कि हाँ मैं इस कैटेगरी में हूँ अपनी गलतियाँ रियलाइज करो टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता आपको अपनी गलतियां भी रियलाइज करवाना होता है तो इस कैटेगरी से बाहर आ जाओ ठीक है फिर आगे आपका स्टूडेंट बी इनके लिए कंग्रेचुलेशंस पहले ही क्यों क्योंकि वो बच्चे हैं दे डोंट लिसन टू र्यूमर्स इनका फोकस होता है सिलेक्शन पे इनको पता है ठीक है ये इस चीज़ से मूव नहीं हो जाएंगे अभी तो पो पता नहीं एग्जाम कब होगा होगा भी कि नहीं होगा पोस्ट आई फॉर्म भरा दैट मीन्स एग्जाम होगा ठीक है आज हो कल हो अगर आपको दो दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको एक मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है टेक दैट एज बोनस आप उस टाइम में रिवाइज कर सकते हो आप उस टाइम में एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो मुझे मैसेज करते हो मैं जितना कोशिश करती हूं आपके व्हाट्सएप पे हालांकि आई एम नॉट बाउंड क्योंकि आपने मुझे कोई पेमेंट नहीं की है तो मैं बाउंड नहीं हूँ आपको रिप्लाई करने के लिए बट फिर भी आई ट्राई कि मैं रिप्लाई करूँ एंड देन मैं ये भी बोलती हूँ कि जिनको नहीं कर पाती हूँ उनके लिए डाउट सॉल्विंग वीडियो जो है मैं एक्स्ट्रा एक लेके आऊँगी क्योंकि कुछ डाउट्स होते हैं वो मैसेजेस में सॉल्व नहीं होते उनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है ठीक है सिंपल डाउट्स जो है मैं व्हाट्सऐप पर ही सॉल्व कर देती हूँ बच्चों के उनका फोकस जो ये बच्चे हैं इनका फोकस सिलेक्शन पे होता है आप इस कैटेगरी में जितने बच्चे फॉल करेंगे उनका काफ़ी हाई चांसेस है सिलेक्शन के ठीक है वो यूटिलाइज करेंगे एक्स्ट्रा टाइम को एफिशिएंटली वो इस चीज़ से आप टेंशन नहीं लेंगे कि पता नहीं एग्ज़ाम कब होगा होगा भी कि नहीं होगा क्योंकि वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है होगा क्या फाइनली एक दिन डेट आ जाएगी एग्जाम है फिर क्या करोगे उसके बाद जो अभी तक रेगुलर नहीं रहा कंसिस्टेंट नहीं रहा वो उसके बाद क्या करेगा ठीक है मैंने आपको पहले भी जो टाइम uh, टेबल वाला वीडियो था उसमें मैंने कहा था अगर आप दिन में सिर्फ थ्री आवर्स देते हो बट मेक श्योर वो थ्री प्रोडक्टिव आवर्स हों ठीक है एंड आपने हर दिन तीन घंटे की पढ़ाई की हो आपको कंसिस्टेंट रहना है ये नहीं एक दिन छः घंटे पढ़ोगे एक दिन छः मिनट पढ़ोगे नहीं अगर आप थ्री टू फोर आवर्स डेली दोगे फोर टू फाइव आवर्स दोगे डेली आपको इनशाला आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर शॉर्ट है इनशाला ठीक है बाकी फिर लक फैक्टर वो आता है इन एग्जाम्स में वो कुछ परसेंटेज होता है एंड वो भी हमारे हाथ में नहीं है एग्ज़ाम कब होगा वो हमारे हाथ में नहीं है लक फैक्टर होता है वो हमारे हाथ में नहीं हमारे हाथ में सिर्फ प्रिपरेशन है जो आपको करनी है एंड ये वो बच्चे हैं जो बद, टीचर्स की एडवाइस सुनते हैं रीड करंट करंट दैट मीन्स मेरी एडवाइस सुन रहे हैं इस टाइम पे करंटली एक्सेप्ट दे शॉर्ट कमिंग एंड वर्क ऑन दम रादर दिन ब्लेमिंग द सिस्टम कि हाँ पी एस सी तो ऐसा ही है एस एस बी तो ऐसा ही है वो करने से कुछ नहीं होगा ऑल दो मुझे पता है इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्लियर नहीं है काफी चीजें हैं इनके साथ वो मसले वगैरह हैं बट देन ये चीजें आपको भी पता है बट स्टिल आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ठीक है दैट मीन्स ये नेगेटिविटीज रहेंगी फाइन तो इन सारी चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा और अपने अंदर की कमियाँ भी देखनी होंगी अगर आप मेरे दस लेक्चर सुनते हो आपने मेरे लेक्चर सुने पहले बारह यूनिट वन के ठीक है उसके बाद आपने मैराथन सीरीज़ भी देखी मेरी उसके बाद मैंने कल टेस्ट सीरीज अपलोड की फिर भी आपके क्वेश्चंस गलत हैं तो एक्सेप्ट करो देखो अपनी शॉर्टकमिंग्स और उन पर काम करो ये टाइम को इस चीज़ के लिए यूटिलाइज करो ना कि इस चीज़ के लिए कि एग्जाम कब होगा क्या होगा एग्जाम जब होगा तब होगा एग्जाम होने वाला है इतना तो आप मान लो ठीक है फिर जितना टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलता है उतना टाइम खुद पे लगाओ क्योंकि टाइम विल पास एनी वे ये मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ टाइम आज का दिन निकलेगा ठीक है आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा आज का दिन निकलेगा ये वापस नहीं आएगा टाइम को आप वापस नहीं ला सकते हो इसीलिए बेटर है जो टाइम आपके इन हैंड है उस टाइम को यूटिलाइज करो एंड जो बच्चों में ये काबिलियत होती है उस टाइम को यूटिलाइज करने की वही बच्चे जो होते हैं आपको फाइनलिस्ट में देखते हैं दे विल रिवाइज एंड time एम सी क्यूज ठीक है वो टाइम पे रिवाइज करते रहेंगे एंड एम सी क्यूज सोल्व करते रहेंगे तो इन बच्चों के लिए मुझे और कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ये बच्चे ऑलरेडी सही कैटेगरी में जा रहे हैं अब जो थर्ड स्टूडेंट है थर्ड कैटेगरी है ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ मेजोरिटी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं ठीक है ये पेंडुलम की तरह नाचते रहते हैं कैटेगरी ए से कैटेगरी बी कैटेगरी ए से कैटेगरी बी ठीक है जो अभी मैंने बोली थी स्टूडेंट्स के ए और बी स्टूडेंट्स वाली कैटेगरी में ये कन्फ्यूज है इनको डर रहता है ये चाहते हैं सब पढ़े ठीक है ये उठते सुबह एनर्जी के साथ बूस्ट पूरा होकर के, के आज का पूरा दिन पढ़ना है बट इन प्रॉब्लम क्या होती है ये स्पेशलाइजेशन स्टार्ट करते हैं इनके दिमाग में आता है शर्ट कंप्यूटर सेक्शन तो रह गया अब वो कब मैं करूँगा ठीक है मैथ्स तो मुझे आता ही नहीं है उसका क्या होगा इंग्लिश भी अभी रहता है इतना सारा करना है तो इस चक्कर में क्या होता है दिन ख़त्म हो जाता है एंड जो उन्होंने सोचा होता है स्पेशलाइजेशन का वो वो भी नहीं कर पाते दे वेकअप विद फुल मोटिवेशन एवरी डे एंड स्लीप विद गैट गैट इज यनरल एंगजाइटी डिसऑर्डर क्योंकि सुबह तो वो एनर्जी के साथ उठेंगे लेकिन शाम होते हो तो उनमें अंदर एंगजाइटी होती है कि हमें करना क्या है ठीक है तो मैं आपको इस चीज का रेमेडी भी बताऊंगी आपको करना क्या है दे फॉलो कल से पक्का रूल अब कल से तो मैं पक्का पड़ूंगा ठीक है वो कल कभी नहीं आता फिर अंड ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरी हिस्ट्री वीडियो पे कमेंट करते हैं मैम मैराथन वाला लाओ मैराथन पे कमेंट करते हैं एमसीक्यू वाला लाओ एमसीक्यू वाले पे कमेंट करते हैं हिस्ट्री वाला लाओ आप मुझे भी कंफ्यूज करते हो कि ठीक है जो मैंने आपको दिया हुआ है वीडियो मैं कुछ सोच के वीडियोज़ डालती हूँ ना ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ होता है कि मुझे पता है कि इस टाइम पर चलो आप कुछ टाइम तक के लिए बोर हो गए एक चीज़ पढ़ के अब आप दूसरी चीज़ पढ़ो ठीक है तो वो सारा में दिमाग में रख के ये वीडियोज़ आते हैं मैं रैंडमली नहीं कुछ भी उठा के आपको वीडियो दे देती हूँ पर आप उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करते आपको होता है कि अच्छा ये भी आए ये भी आए ये भी आए एंड मुझे ये भी नहीं पता कि आपने अभी तक मेरे सारे वीडियोस देखे भी है कि नहीं आपने स्पेशलाइजेशन पूरा पढ़ा भी है कि नहीं क्योंकि ऐसे बच्चे यूजुअली होते हैं उनको सारा सिलेबस सारी बुक्स एक साथ सामने चाहिए होती हैं फिर उन्हें उस पढ़ा जितना उनके पास रिसोर्सेज है वो उन्होंने यूटिलाइज़ किए हैं कि नहीं वो अलग चीज़ एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ़ द केस में उन्हें वो यूटिलाइज नहीं करे होते हैं उनको होता है कि सारा हमारे सामने हो ठीक है तो ये कैटेगरी येगरी होती है लेकिन इन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए गुड right तो न्यूज है, है देखो अगर आप स्पेशलाइजेशन से स्टार्ट करो पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कभी भी बिना इस यहाँ पे एक लेते हैं, बिना प्रिपरेशन के या बिना स्ट्रेटेजी बनाए स्टार्ट मत करो स्ट्रैटेजी जो है ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप टू सक्सेस ठीक है ऐसा नहीं रैंडमली आज हमने स्पेशलाइजेशन किया कल हिस्ट्री देख रहे हो वीडियो परसों ऐसे रैंडमली किसी चैप्टर का एम सी लेटे लेटे टेलेग्राम खोला तो चलो एम दे देता हूँ ये अप्रोच जो है ना ये इट विल लीड यू टू नो ठीक है इट विल लीड यू नो वेयर यहाँ फिर कहीं नहीं पहुंचोगे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ टाइम टेबल बनाओ कि मैं एक मंथ में अगर स्पेशलाइजेशन कवर कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा एक लेक्चर देखूंगा उसका फिर ये नोट्स बनाऊंगा प्लस ठीक है सेकेंडली मैं एक सेकेंड कॉम्पोनेंट इसके साथ जोड़ूंगा चाहे वो कंप्यूटर हो या इंग्लिश हो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट के साथ एक ईजी सब्जेक्ट ऐसे करके एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ अगर आपने अभी आपको नहीं बनाना आता टाइम टेबल तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी पेस्ट कर दूंगी वो टाइम टेबल वीडियो देखो एंड वैसे करके अपना टाइम टेबल बनाओ ताकि आप स्टूडेंट सी से स्टूडेंट बी में आ जाओ क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो सी में फॉल करते हैं एंड जो आपके सिलेक्शंस होंगी वो सी स्टूडेंट एंड बी स्टूडेंट में से ही होंगी ए स्टूडेंट वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है सिलेक्ट होना अनलेस कि वो अपना जो नेगेटिव चीज़ है वो छोड़ दें ठीक है तो आपको क्या करना है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी के बगैर आप एग्जाम जो है सिलेबस जो है कवर नहीं कर पाओगे ठीक है ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी स्पेशलाइजेशन को पकड़ रहे हो फिर वहां से एक चीज पकड़ रहे हो दूसरी चीज पकड़ रहे हो वो सारी चीजें छोड़ दो फिर आपके लिए कुछ सीरियस टॉक उससे पहले आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया हो कि आपको मोटिवेटेड रहना है आपको इस कैटेगरी में फॉल नहीं करना है स्टूडेंट ए में क्योंकि आप इसमें क्या करोगे इसमें सिर्फ बातें हैं इस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की सिर्फ बातें हैं जो सुन के आपको कोई फायदा नहीं होगा बी स्टूडेंट आप मेजोरिटी मुझे पता है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सी uh, में फॉल करते होंगे बी वाले जो हैं दे आर ऑलमोस्ट मतलब वो सही ऑन द राइट ट्रैक सी वाले जो है मेरा जो मेन फोकस है वो स्टूडेंट सी पे हैं क्योंकि वो बी में आ सकते हैं एंड कोई मुश्किल नहीं है ठीक है आपने एक बार ठान लेना कोई चीज़ करनी है फिर आपको सिर्फ आप ही रोक सकते हो एंड देन लक फैक्टर अल्लाह ने आपका रिस्क लिखा है कि नहीं वो तो रहेगा ही वो वो चीज़ तो रहेगी ठीक है अब आपको अल्लाह को भी मोटिवेट करना है कि प्लीज कर दो ये काम मेरा करा दो ये मैं पढ़ता हूँ साथ में दो आए भी अपने लिए मांगते रहो अपने रिस्क के लिए अल्लाह आपको दे दे रिस्क यहाँ से ठीक है फिर रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह वो देखो अगर इतना तवक्कुल रखो अगर आपके लिए ये पोस्ट है ना एस एस बी करप्शन आपका रिजर्वेशन पॉलिसी कोई चीज नहीं रोक सकती है दैट इज वो ये जो थॉट है ना दो थॉट्स ही किन के दिमाग में आते हैं दैट शोज योर वीकनेस ऑफ योर ईमान एंड नथिंग एल्स क्योंकि अगर अल्लाह ने आपके लिए कोई चीज़ मुकर की है वो दुनिया की कोई ताकत वो चीज़ आपसे नहीं छीन सकती है इतना आप अश्योर हो जाओ उसके बाद रिमेंबर दैट हदीस वेन यू हैव अ डिसीजन ट्रस्ट अल्लाह ठीक है उसके इत सब के बाद भी बच्चे होते हैं फिर सिलेक्शन नहीं होता उसके बाद भी आपका ईमान काम आता है आपको उस फेज से निकालने के लिए अल्लाह ना करे आप वो फेज देखो क्वालिफाई कर लो इसी वाले आ, अपने इसी वाले अटेम्प्ट में ठीक है इसीलिए आपको मोटिवेट सिर्फ ये थॉट कर सकता है व्हेन यू हैव टेकन अ डिसीजन ट्रस्ट अल्लाह ठीक है भाई सारे रिलीजन के लोगों के लिए वीडियो है तो जब आपने आप जिस भी गॉड को मानते हैं अगर आपने डिसीजन लिया है आप उन पर रिलाई करें कि हाँ ये मेरा जो डिसीजन है ये सही है एंड मुझे अच्छे से मेहनत करनी है वो मुझे ज़रूरी चीज़ देंगे ठीक है और उसके बाद जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है आपकी पॉलिसीज़ वगैरह गवर्नमेंट एसएसबी की करप्शन वो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उन पर सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा एंड ऐसे पढ़ो कि एग्जाम के बाद आपको ये ना लगे कुछ आउट ऑफ सिलेबस आया अब देखो जो आउट ऑफ सिलेबस आया कोई चीज़ अगर आउट ऑफ सिलेबस आई तो वो क्वेश्चन आपके मेरिट को डिसाइड ही नहीं करेंगे क्योंकि वो सबके लिए आउट ऑफ सिलेबस होंगे जो कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस होंगे लेकिन अगर आप मेरे वीडियोज अच्छे से देख रहे हो एंड कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन या मेरे वीडियो या कहीं से भी पढ़ रहे हो कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन अगर आपने कवर किए हैं जो चीज़ लोगों के लिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए जो आउट ऑफ सिलेबस हो आपके लिए वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगी तो आप वहां से एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ले सकते हो एंड इन एग्जाम्स में वन पॉइंट मैटर्स जीरो पॉइंट वन जो होता है मार्क दैट मैटर्स अ लॉट ठीक है तो जहाँ से आपको फ़ायदा हो रहा है अगर मेरे वीडियो से हो रहा है तो द स्टिक टू इट काम रहो कंपोज़ रहो पैनिक करने की जरूरत नहीं है लोगों ने क्वालिफाई किया है ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो क्वालिफाई ही नहीं हो सकता है लोग दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स भी क्वालिफाई करते हैं ठीक है उस हिसाब से तो ये काफ़ी छोटा एग्जाम होगा उसके कंपेरिजन में कहने का मतलब है जो क्वालिफाई करते हैं उनके सर पर सींग नहीं होते फिर मैंने आप बार बार ये बात मैं मानती हूँ कि लक फैक्टर है लेकिन वो आपके हाथ में नहीं है तो उस पर टाइम वेस्ट करके क्या होगा आपको टाइम मिला है ना तो इस टाइम को यूटिलाइज करो होने दो एग्जाम को जुलाई अगस्त में होने दो नवंबर में एग्जाम को आपके पास जितना टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करो ठीक है आई नो काफी मैरिड है जो एग्जाम देख रहे हैं काफी उनके बच्चे हैं जो एग्जाम देख रहे हैं उनके लिए तो इनफैक्ट अच्छी बात है थोड़ा उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा एंड अगर आप बिल्कुल भी आप घर में ही बैठे हो ना आपकी शादी हुई है ना बच्चे हैं कोई लाइबिलिटी नहीं है तो आपके लिए तो गोल्डन से गोल्डन प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है ये ठीक है इसको यूटिलाइज करो इसको हाथ से जाने मत दो ठीक है अब एक सीरियस थॉट आप लोगों के लिए सीरियस टॉक आप लोगों के लिए कि इस एग्जाम को एग्जाम बॉडी पे जज मत करो लेवल ऑफ एग्जाम पे जज मत करो कि एस में तो ये चीजें नहीं आती हैं इस एग्जाम को अपने कंपटीशन के हिसाब से जज करो आपके साथ जो जेके एस के एग्जाम्स दे रहे होंगे ना वो वो स्टूडेंट्स भी होंगे मैं कर फ्रेशर हो ठीके? वो वो स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने प्रीवियस बी एग्जाम बहुत सारे दिए होंगे बहुत कम मार्जिन से रह गए होंगे दैट उनके पास एक्सपीरियंस है है ठीक उनके पास नॉलेज है और उनके पास वो पैशन भी है ये एग्जाम क्वालिफाई करने का या कुछ सिलेक्टिव भी होंगे जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं पर उनको अपने जो है जॉब प्रोफाइल पसंद नहीं है एंड आप वो सुपरवाइजर एग्जाम भी देना चाहते हैं तो सोचो आपका कंपटीशन है कुछ के एस ड्रॉप आउट्स होंगे ऑब्वियसली क्योंकि डर्थ ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स है एंड गवर्नमेंट जॉब्स की चाहत जरूरत इतनी ज्यादा है कि हर कोई हर एग्जाम दे रहा है इवन यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी होंगे जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन साथ में सुपरवाइजर पोस्ट आ गए सुपरवाइजर का एग्जाम भी देंगे मैं आपको डरा नहीं रही हूँ मैं बस आपको अपनी कॉम्पिटिशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर कॉम्पिटिशन अपने कॉम्पिटिशन को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन कौन है फिर हाँ आपको उन्हीं पर सिर्फ नहीं देखना है कि ये डरना नहीं है उस चीज से उस चीज को अपने लिए एक बूस्ट यूज करना है अपनी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए ठीक है क्योंकि ये कॉम्पिटिशन क्या करता है ये आपके कट ऑफ को हाई ले जाता है आपने सोचा है एस का कट ऑफ इतना हाई क्यों जाता है इसी कॉम्पिटिशन की वजह से पी का के का उनका इतना हाई कट ऑफ नहीं जाता क्योंकि उसमें इस लेवल का कंपटीशन नहीं होता जिस लेवल का जेके एस में होता है तो ये चीज तो भूल जाओ एस है सिंपल पेपर होता है पीएससी थोड़ी है यूपीएससी थोड़ी है आई थोड़ी है माना सिंपल पेपर होता है सोचो वो बच्चा जो केस ड्रॉप आउट है या एस एस बी एग्जाम का ड्रॉप आउट है या सिलेक्टिव है उसके लिए वो इजी पेपर और भी कितना इजी होगा तो वो तो हंड्रेड परसेंट टाइल स्कोर करेगा और वो उसका कट ऑफ हो जाएगा ठीक है मेजोरिटी जब इस कैटेगरी में आएंगे तो कट ऑफ नाइनटी नाइन नाइनटी एट चला जाएगा तो आप कहाँ होगे आपका एक गलत क्वेश्चन चाहे आपने हंड्रेड में से सिर्फ फाइव गलत किए हो या सिक्स गलत किए हो तो भी हो सकता है सिलेक्शन ना हो अल्लाह ना करे ऐसा हो पर हो सकता है ऐसा हो क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो आपके कट ऑफ को बहुत ऊपर लेके जाते हैं ठीक है वो जेके एस एस बी में पी एस सी से ज्यादा कंपटीशन होता है ये चीज याद रखना तो सिर्फ इस चीज पे रिलाई नहीं करना जेके एस एस बी है ये पी एस सी के एस का एग्जाम थोड़ी है या आई एस का एग्जाम थोड़ी है, मुझे इतना पढ़ना होगा ये वो एग्जाम नहीं है लेकिन आपका कंपटीशन है जो वो एग्जाम्स के एक्सपीरियंस लोग हैं तो वो आपके कट ऑफ को हाई लेके जा सकते हैं तो इस चीज से डरना नहीं खुद पे भरोसा रखो मेरे पे टीचर पे पढ़ाए हुए पे भरोसा रखो एंड जो मैं आपको टेक्निक बोल रही हूँ रिवाइज करो टेस्ट सीरीज रिवाइज रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ठीक है अगर आपसे सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है लेट सपोज आप सिर्फ नाइन्टी तक सिलेबस कंप्लीट कर पाते हो फाइव रिलैक्सेशन आपको दे देती हूँ सेवन परसेंट कम्प्लीट करते हो पर मेक श्योर sure वो आपने बहुत बार रिवाइज किया हो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं कि हाँ ऊपर ऊपर से सारा देखा है तो सारा सिलेबस कंप्लीट है वो नहीं ये जो आपने नाइन्टी फाइव परसेंट या 97 सेवन परसेंट तक सिलेबस कंप्लीट किया है इसमें से नाइन्टी फोर परसेंट क्वेश्चन आप अटेप्ट कर पाने चाहिए ये आपका गोल होगा ठीक है ये जो कॉम्पिटिशन आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा एंड इफ यू गेट मोर टाइम यूज दैट वाइजली मैं बार बार बोलती टाइम विल पास यूजे अगर आपको लग रहा है जून बहुत दूर है जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर कितना दूर है ये ब्लिंक ऑफ एन आई में गुजर जाएगा सारा टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा टाइम पास हो जाएगा टाइम विल पास एनी anyway, वे आप पढ़ो या ना पढ़ो ठीक है तो आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई ये फालतू की सिर्फ मोटिवेशन नहीं थी बहुत सीरियस टॉक आप लोगों को लेके आप लोगों के इस बेनिफिट के लिए अब लास्टली आपको क्या करना है फॉलो दिस रूल जो नेगेटिविटीज हैं कान बंद कर लो मत सुनो ज्यादा बोलो मत जस्ट वर्क हार्ड इन वो एक कोर्ट था ना वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट सक्सेस मेक नॉइज साइलेंस में आप वर्क हार्ड करो फिर आपकी जो सक्सेस है दैट विल मेक नॉइज ठीक है सक्सेस विल मेक नॉइज आपको कोई जरूरत नहीं हर जगह कमेंट करने की आपको कोई जरूरत नहीं दुनिया के सारे एस के ग्रुप्स सुपरवाइजर के ग्रुप ज्वाइन करने की आपको कोई जरूरत नहीं है दस दस पेड कोर्स लेने की ठीक है अपने पोटेंशियल अपनी कैपेबिलिटी पे जो है आप रिलाई करो अपने थिंकिंग पे रिलाई करो आपको लग रहा है कोई टीचर अच्छा है तो स्टिक टू इट ये चीज़ मान लो ठीक है एंड देन फॉलो दिस रूल पढ़ो रिवाइज करो रिपीट एंड दिस टेस्ट सीरीज़ ठीक है ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है और ज़्यादा बातें नहीं करनी है शोनी हाँ मेरा इतना हो गया मेरा उतना हो गया ज़्यादा वो शो ऑफ भी नहीं करना है क्योंकि ऐसे बच्चों का भी फिर बाद में कुछ होता नहीं है खास शो ऑफ वालों का एंड देन आपको नज़र से भी बचा के रखेगा चुपचाप अपना काम करते रहो पढ़ो हाँ ठीक है कोई बोल रहा है कितना क्या पढ़ा झूठ भी नहीं बोलना रहे हाँ बस हो रहा है ठीक से हो रहा है अलहमदिल्ला अलमदुल्ला बोल के चले जाओ और अपना काम करते रहो एंड मत देखो ये सारी चीजें कि आपको हर कोई ग्रुप ज्वाइन करना है वो उसने कितना पढ़ा इसने कितना पढ़ा वो नजर रखना सबके गोल्स पे नजर रखोगे ना ये आपका गोल है और ये आप हो ठीक है अब आपको पता चल गया कॉम्पिटिशन भी बहुत है सिलेबस भी चलो टाइम भी थोड़ा बहुत मिल रहा है सिलेबस डूएल है अपने गोल को देखो और यहाँ चलो यहाँ भी मत बटको यहाँ मत बटको इसने कितना किया उसने कितना किया एक चीज़ मान लो कोई आपका रिस्क आपसे नहीं ले सकता है अगर कोई सिलेक्ट होता है उसने आपके रिस्क में से नहीं लिया है वो अल्लाह का और उसके बंदे का जो रिस्क उसने अल्लाह ने उस बंदे को दिया है वो वो मामला है ठीक है आपको क्या करना है आपको सिर्फ अपने गोल पे नजर रखनी है तो आंखें बंद कर लो फालतू चीज़ें देखने से फालतू लोग फालतू बोलो मत कि हाँ ये हुआ वो हुआ शो भी मत करो चुपचाप अपनी मेहनत करो एंड कान बंद कर लो नेगेटिविटीज़ को अंदर आने मत दो एग्जाम में मैं खासकर बार बार ये वर्ड नेगेटिव बोलती हूँ क्योंकि आपके दिमाग में बैठे ये नेगेटिव एनर्जीज हैं और यू बिलीव ऐसे स्टूडेंट जिनमें कैपेबिलिटी होती है टॉप करने की वो वो सिलेक्ट नहीं होते हैं इन्हीं नेगेटिव थॉट्स की वजह से जो उनको दाएं बाएं से मिले होते हैं तो उनसे कम्प्लीटली इम्यून हो जाओ और अपने कान बंद कर लो और अब इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट इस जो मुझे आपको बोलनी थी Uh, आप लोगों के लिए तो वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मेरी सर्जरी होगी इनशाला फिफ्थ अप्रैल सी सेक्शन मेरा तो देखो मैं कैसे टाइम में भी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और आपको मोटिवेट कर रही हूँ देन वट एक्सक्यूज डू यू हैव कि आप क्यों नहीं पढ़ सकोगे तो मैं कल रात को 10 11 बजे तक बैठ के आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर रही थी तो आपके पास क्या एक्सक्यूज है वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करने का ठीक है तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़ इट्स ऑल अबाउट वट यू इन व्यूअर लाइफ टाइम तो निकल ही जाएगा बाद में तो मेरी सर्जरी है फिफ्थ अप्रैल को इनशाला दैट मीन्स आई स्टिल हैव आई ओनली हैव फोर डेज लेफ्ट फोर प्रोडक्टिव डेज जो मैं कर सकूं एंड मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है अभी रिकॉर्ड करना बिकॉज ऑफ़ माई ओन हेल्थ एंड ऑल्सो आई हैव अ टोडलर टू टेक केयर ऑफ मेरा ढाई साल का एक बेटा है अलहमदिल्ला एंड अभी और एक ये होने वाली है सर्जरी तो चीज़ें थोड़ा मुश्किल हैं बट मेरा क्या प्लान रहेगा आई विल ट्राई कि मैं एटलीस्ट आपका हिस्ट्री का एक वीडियो आपका मैराथन का एक वीडियो प्लस आपका आ, एक वीडियो टेस्ट सीरीज़ का एक सल्यूशन वीडियो तो ये मतलब आई वोमिस कि ये एक्जैक्टली exactly होगा पर एटलीस्ट ये तीन में से एक दो दो या तीन ठीक है चीज़ें मैं फिफ्थ अप्रैल से पहले आपके लिए कवर कर पाऊँ ठीक है अब जिस टाइम में मैं एक्टिव नहीं रहूंगी अगर मुझे टाइम मिलता है जो जो कि मुझे फिलहाल लग नहीं रहा मेरी कंसिडरेशन हेल्थ वगैरह को लेके कि मैं सारा कवर कर uh, इतने सारे वीडियोज़ बना पाऊंगी इतने टाइम में बट आई स्टिल ट्राई देखते हैं अगर अल्लाह ने मदद की तो मैं कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बनाऊंगी जो मैं फिर अप्रैल में आपके लिए अपलोड कर दूंगी ठीक है जो अप्रैल के मंथ में आपको कुछ मिल जाएंगे बटन सर्जरी के बाद ऑब्वियसली मैं एक्टिव नहीं रहूंगी कुछ टाइम तक आपको उस टाइम को क्या करना है आपको उस टाइम को यूटिलाइज करना है जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करो स्पेशलाइजेशन ऐसे अपना कवर करो उतने टाइम में कि जहाँ से भी एम आ जाए उस कोर्स का वो आप कवर कर पाओ कि वो सिक्सटी मार्क्स आपको मिले मैं नहीं चाहती उस सिक्सटी मार्क्स में कोई भी मार्क्स आपका रह जाए एंड देन मुझे काफी बच्चे ये भी बोलते हैं कि हम और भी पढ़े वगैरह वो देखो ये दैट आई लीव टू यिजम कि अगर आपको लग रहा है कहीं से कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको ये तो नहीं बोल सकती कि नहीं और कुछ भी मत पढ़ो हाँ कुछ लग रहा है इंपॉर्टेंट है कोई एक एक आधा रिसोर्स और से तो वो अपने नोट्स में लिख लो पर बस डोंट गो आफ्टर टू मेनी रिसोर्सेज ठीक है रिसोर्सेज मिनिमम रखो रिविज़न मैक्सिमम रखो ये एक गोल्डन रूल होता है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए चाहे वो आई का एग्जाम हो चाहे एस का एग्जाम हो चाहे एस से कोई नीचे लेवल का हो रिसोर्सेज मिनिमम एंड मैक्सिमम रिविज़न ठीक है तो ये सब चीज़ें थी आपके लिए तो फिर आ, मिलते हैं इन जल्दी मैं कोशिश करूंगी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लूँ और आपके लिए एंड हाँ प्लीज़ आप मेरा एक काम कर लेना कि बच्चे अब जिन्हें मोटिवेशन वीडियो नहीं देखा होगा या लास्ट तक नहीं रुके होंगे अनाउंसमेंट देखने के लिए अगर कमेंट्स में कोई ऐसे पूछता रहेगा मुझे ये वीडियो कब आएगा वो वीडियो कब आएगा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता हर किसी को ये कर देना रिप्लाई वापस तो अगर आप कभी कोई कमेंट देख लेते हैं ऐसा तो उनको आप बोल देना कि अभी मैम बिजी है सर्जरी की वजह से वो आ जाएंगी वापस ठीक है एंड देन वीडियोस देखो ये आपके लिए अच्छा टाइम है स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स जो है एक बारी अगर आपने लेक्चर देख लिया आई वुड सजेस्ट कि उसकी स्पीड जो है वो ट्वाइस कर लो या वन पॉइंट सेवन फाइव स्पीड इंक्रीज़ कर लो एंड कानों में हेडफोन लगा के वीडियोज़ जो है देखते रहा करो क्योंकि ऐसे क्या होता है रिटेंशन इंक्रीज़ होती है अगर कोई दूसरा बार बार कोई बात बोलेगा बोलेगा वो बात दिमाग में रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ठीक है थीके? तो ये सारी चीज़ें थी आपके लिए फिर आपको क्या करना है और आपको बहुत सारी दुआएं करनी है अल्लाह खैर करे मेरे साथ भी आपके साथ भी तो चलता टाइम आपका नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे